आप सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप वैसे साथियों को मिल नहीं पाया, तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा, मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। सच में बताइए, किसको टेंशन है, आपको या आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, अभी भी लोग हैं? अच्छा, और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कौन कौन है? ज्यादा लोग वही है। कल विक्रम संवत नव वर्ष शुरू हो रहा है, और वैसे ही अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है, और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं, और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम हम हमारे एग्जाम्स में त्योहार का वातावरण कैसे बनाएं, उसको रंगों से कैसे भर दें, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं, कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है, मीडिया के साथियों ने भी स्थान स्थान पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल निकाले हैं। लेकिन समय सीमा में जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा, लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूं। बस क्योंकि पिछले 5 बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह, तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे, लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से, कभी प्रवास करते समय मेरे पास मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम से, या तो फिर रिटर्न टेक्स्ट के रूप में मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीज़ें यहाँ छूट गई हैं उसको रखूंगा, ताकि आप नमो ऐप पर जाकर के, और उसमें भी इस बार एक नया प्रयोग किया है, माइक्रोसाइट बनाई है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है? थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर।
माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिपेक्ष में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए. श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए. श्रीधर शर्मा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः, अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati Sant Mahatma Gandhi ji started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greeting Prime Minister sir, my name is Kenny Patel. I am from Treehouse High School, Vadodara, Gujarat, from class 10th. My question is, how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you, sir. Thank you, Kenny. Maninaya Pradhan Mantri Ji, Khushi, Shridhar Sharma, Tatha Kenny Patel, Pariksha ke tanav se vyathit hain. उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है और गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है,
क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं, और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से, एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर टीचिंग अस टू एक्सेप्ट एग्जाम्स एज अ नेचुरल एक्सपीरियंस टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। Honorable Prime Minister sir, the next question comes from Mysuru in Karnataka, renowned for its heritage destinations and national parks. Tarun MB, who is a class 11 student here, seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question please? Good morning sir, I am Tarun MB, studying in class 11th at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mysuru, Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Pariksha Pe Charcha 2022. My question to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is, sir, how can you see a student focused while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without disturbance. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister, sir, Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. Namaskar Mahodaya, Manani Pradhan Mantri Ji, main Sahid Ali, Silver Oak School, Delhi Cantonment Board mein 10th kaksha ka chhatr hoon. Pichle 2 varshon se hum apni padhai online mode mein kar rahe hain. Internet ke istemal se hum mein se bahut se bachchon mein सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू साहिद। ऑनरेबल सर, कीर्तना नायर, अ क्लास 10 स्टूडेंट फ्रॉम थिरुवनंतपुरम केरला, इज प्लेग्ड बाय द सेम प्रॉब्लम एंड एक्सपेक्ट्स टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम यू सर। कीर्तनास क्वेश्चन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम टाइम्स नाउ। Kirtana, please ask your question. Hi, I am Kirtana from class 10 in Christ Our School, Thiruvananthapuram, Kerala. As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our homes in the form of mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Thank you, Kirtana. Honorable sir, online education has challenged not only students but teachers too. Mr. Chandra Chudeshwaran M, a teacher from Krishnagiri, seeks guidance and direction from you. Sir, please ask your question.
Namaste, Honorable Prime Minister, sir. I am Chandra Chudeshwaran from the Ashok Leland School, Osur, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? Dhanyavad Mahoday. Thank you, sir. Honorable Prime Minister, sir. Tarun, Sahit, Kirtana, and Chandra Chudeshwarandar, sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last 2 years. Honorable sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. Out of those, these are the selected ones that sum up everyone's concerns. I request you to please guide them, sir. मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या आप लोगों ने बताया कि कहीं इधर इधर भटक जाते हैं. थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं. मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है. हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है. आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा. कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है. जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं. इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है. माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है. और इसलिए हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं. अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था. तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके. बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया. ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है. तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं. इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए. लेकिन यह भी सही है कि कभी हमने कोशिश करनी चाहिए. हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं,
मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यूएडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ दो चीज़ें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई हैं, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा, इसको मैं अंगीकृत करूँ। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने के लिए मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन उस जो चीजों को, मैं अब मान लीजिए यहाँ साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई, टीचर महोदय ने पूछा, तो मैं ये कहूँगा कि माँ ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देख कर लिया, लेकिन पेट भरेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पर बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो ज्ञान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा या नहीं भरेगा? तो ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपके जो टीचर हैं वो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के। आज असीमित संसाधन है, इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते जाएंगे। और इसलिए ऑनलाइन को एक अवसर समझिए, लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो ये मत करो, अब रुक जाओ थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन इन टूल्स का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरा, जीवन में खुद से भी जुड़ना ये भी उतना ही महत्व है जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है। तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, इनर लाइन होंगे, जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें मूल मंत्र दिया कि जब हम एकाग्र मन होकर अपनी पढ़ाई करें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवास स्थान पानीपत हरियाणा से सुश्री सुमन रानी, जो कि एक शिक्षिका है, आपके समक्ष अपना प्रश्न रखना चाहती है।
सुश्री सुमन रानी मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। महोदय जी, मैं सुमन रानी, टीजीटी सोशल साइंस, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पानीपत से। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को उनके कौशल को विकसित करने में नए अवसर कैसे प्रदान करेगी? धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मैम। मान्यवर, पूर्व के स्कॉटलैंड नाम से प्रसिद्ध मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स की कक्षा 9वीं की छात्रा शीला वैष्णव भी आपसे इसी विषय पर प्रश्न पूछना चाहती है। शीला, कृपया अपना प्रश्न रखें। गुड मॉर्निंग सर, आई एम शीला वैष्णव ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय मफलंग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय, स्टडिंग इन क्लास 9th। माई क्वेश्चन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज, हाउ प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी will empower students' lives in particular and society in general and pave way for Naya Bharat. Thank you, sir. Thank you, Sheila. श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कई और भी सवाल देश भर से प्राप्त हुए हैं, जिनमें विद्यार्थियों ने यह अभिव्यक्त किया है कि हमारी रुचि कुछ और होती है, हम विषय कोई और पढ़ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? कृपया मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। जरा गंभीर प्रकार का सवाल पूछा है और इतने कम समय में उसका पूरा विस्तार से जवाब देना भी कठिन है। पहली बात तो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP। कुछ लोग एन को न्यू कहते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, शायद दुनिया में शिक्षा की नीति निर्धारण में इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ২০১৪ से जब मुझसे इस कार्य के लिए आप सबने पसंद किया तो शुरुआत से इस काम पर हम लगे थे। करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ, गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। उस सब के जिस्त तैयार किए गए और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए, जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई, उसमें से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और 15-20 लाख इनपुट्स आए। यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज, इतनी व्यापक एक्सरसाइज, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है। और ये एजुकेशन पॉलिसी को मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, सरकार कुछ भी करें तो कहीं न कहीं से तो विरोध का स्वर, कुछ न कुछ तो हर कोई मौका ढूंढता रहता है। लेकिन अब मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिंदुस्तान के हर तबके में पुरजोश स्वागत हुआ है। और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है, ये सरकार ने नहीं बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। अब एक छोटा सा विषय, पहले हमारे यहां
खेलकूद ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो पांचवी छठी सातवीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वह पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिष्ठा मिली है। फर्क मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको ध्यान में आए, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए? अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए भी वैसे बीच में समय जितना जाना चाहिए था उससे ज्यादा चला गया, उससे देश का नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब हम पहुंच चुके हैं, अब जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभार माँ बाप की इच्छा के कारण, रिसोर्सेज के कारण, नजदीक में व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छा के शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और सब प्रेशर के कारण और प्रतिष्ठा के कारण एक धरे पर चले गए, हाँ नहीं नहीं डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है कुछ और है, मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट। अब कारणों से मेडिकल में तो चला गया, पहले तो गए हैं, तो फिर इस पाइपलाइन में यहां घुसे आप तो आपको वहां ही निकलना पड़ेगा दूसरे छोर पर। अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया लेकिन एक साल दो साल के बाद लगा कि नहीं नहीं भी मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा तो मिजाज वो है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है, सम्मान के साथ अवसर देती है। आज हम जानते हैं पूरी दुनिया में स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है। सिर्फ शिक्षा, सिर्फ ज्ञान का भंडार ये इनफ नहीं है, हुनर भी होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब इसको हमने सिलेबस का हिस्सा बनाया है ताकि उसका पूर्ण विकास के लिए उसको खुद को अवसर मिले। आज खुशी हुई, मैं अभी एक प्रदर्शनी देख के आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रिफ्लेक्शन होता है, वो छोटे से रूप में आज शिक्षा विभाग के लोगों ने रखा था, मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं, यानी बहुत ही प्रभावित था। आनंद आता था कि हमारे 8वीं-10वीं कक्षा के बच्चे 3D प्रिंटर बना रहे हैं, आनंद आ रहा है कि हमारे 8वीं-10वीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। नंदिता और निवेदिता दो बहनें में जो मिली, मैं बहुत ही सरप्राइज था।
हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को बुरा माना जाने वाला एक वर्ग होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूडेंट खोज लिए हैं। वे खुद स्टूडेंट रहे लेकिन गुरु बन गए हैं। अब देखिए, उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है, टेक्नोलॉजी से वो डरे नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उसी प्रकार से मैंने देखा कुछ स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, कुछ अच्छे पेंटिंग बनाए, और इतना ही नहीं उसमें विजन था। ऐसे ही करने के लिए कहा नहीं किया गया, मैं उस विजन को अनुभव करता था। इसका मतलब हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे अवसर दे रही है। और इस अर्थ में मैं कहूँगा कि हम जितनी बारीकी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे और प्रत्यक्ष में उसको धरती पर उतारेंगे, आप देखिए मल्टीपल बेनिफिट्स आपके सामने होंगे। तो मेरी देश भर के टीचर्स को, देश भर के शिक्षाविदों से, देश भर के स्कूल्स से मेरा आग्रह है कि आप इसकी बारीकियों को जमीन पर उतारने के नए नए तरीके डेवलप कीजिए, और जितने ज़्यादा तरीके होंगे उतने ही ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। Honorable Prime Minister, sir, now we are absolutely confident that the National Education Policy will redefine the meaning of education for us and our future is brilliant. Hum khelenge to avashya khelenge. Honorable sir, Roshni of Rajkiya Kanya Inter College in the industrial town of Ghaziabad seeks respected Prime Minister's help and guidance on certain issues. Roshni, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं रोशनी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से? क्या हमें परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जैसे कि हमारे माता पिता या शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं, या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद लें? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। थैंक यू रोशनी। पांच नदियों के क्षेत्र, गुरुओं की भूमि स्थित समृद्ध राज्य पंजाब के भटिंडा से 10वीं की छात्रा किरणप्रीत इसी विषय पर अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। किरणप्रीत, कृपया अपना प्रश्न पूछें। Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Kiranpreet Kaur of Class 10th. I study in Doon Public Senior Secondary School, Kalyan Sukha, District Bathinda, Punjab. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's disappointment if my results are not good? I don't have negativity against my parents, because I know they need more reassurance than I do. Thank you, sir. Please guide me. Dhanyavad, Kiranpreet. Honorable Prime Minister, sir, like many of us, Roshni and Kiranpreet also find it a challenge to deal with the expectations of their parents and teachers. We look forward to your advice. Honorable sir. रोशनी, क्या कारण है कि आपने जब ये सवाल पूछा तो सबसे ज्यादा तालियां बजी? क्या कारण है? मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडेंट के लिए नहीं पूछा है, आपने बड़ी चतुराई से पेरेंट्स और टीचर के लिए पूछा है। और मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि मैं आज यहाँ से हर एक के पेरेंट्स को और टीचर्स को कुछ यहाँ से कह दूँ ताकि आपके काम आ जाए। इसका मतलब कि आप पर प्रेशर है टीचर का, आप पर प्रेशर है पेरेंट्स का, और इसलिए आपको उलझन है
कि मैं मेरे लिए कुछ करूं कि उनके कहने पर करूं। अब उनको समझा नहीं पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को और टीचर्स को ये जरूर कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप मन में सपने लेकर के जीते हैं, या तो जो सपने आपके खुद के अधूरे रह गए हैं, आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल में, आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और इसलिए दिन रात आपको लगता है कि बस इसको तो वो बना के रहूंगा, यानी आप अपने मन की बातों को, अपने सपनों को, अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को अपने बच्चे में एक प्रकार से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चा आपको रिस्पेक्ट करता है, माँ बाप की बात को बहुत महत्व देता है। दूसरी तरफ टीचर कहते हैं कि देखिए तुम्हें ये करना है, तुम ये करो, हमारे स्कूल में तो ये है रहता है, हमारी तो ये परंपरा है, आपका मन कुछ तीसरा ही करता है। और ज्यादातर हमारे बच्चों के विकास में ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच में से गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। और इसलिए पुराने जमाने में टीचर का परिवार से संपर्क रहता था, परिवार के हर लोग को टीचर जानते थे, और परिवार भी अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है उसे टीचर परिचित होते थे, टीचर क्या करते हैं कैसा करते हैं वो उसे पेरेंट्स परिचित होते थे। यानी एक प्रकार से शिक्षा, एक चाहे स्कूल में चलती हो, शिक्षा घर में चलती हो, हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पर होता था। और उसके कारण अब क्या हुआ है, बच्चा दिन भर क्या करता है माँ बाप को समय नहीं है, जानते नहीं है, टीचर को सिलेबस से लेना देना है, मेरा सिलेबस पूरा हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया, बहुत मेहनत करके पढ़ाते, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन उसको लगता है कि मेरी जिम्मेवारी है सिलेबस पूरा करूं, वो मेरा दायित्व है। लेकिन बच्चे का मन कुछ और करता है, और इसलिए जब तक चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या स्कूल का एनवायरनमेंट हो, हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमाएं, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अपेक्षा, उसकी आकांक्षा, इन सबको बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसको जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और हम उसको धक्का मारते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा जाता है। और इसलिए मैं रोशनी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूँगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए इससे बचने का प्रयास करें। उनकी और हर बच्चे के पास एक स्ट्रेंथ होती है, हर माँ बाप को स्वीकारना होगा कि आपके तराजू में वो फिट हो या ना हो, लेकिन परमात्मा ने उसको किसी न किसी विशेष ताकत के साथ भेजा है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य है, ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है कि आप उसके सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हो, ये आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे हो, और इसलिए दूरी वहीं से बन जाती है। और मैं चाहूंगा बच्चों से कि आप प्रेशर के बीच भी, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि माँ बाप का मत सुनो, मैं ये तो नहीं कहूंगा टीचर की बात मत सुनो, ये तो सलाह ठीक नहीं होगी, सुनना तो है ही है, वो जो कहते हैं उसको समझना है, लेकिन हमें उन चीजों को स्वीकार करना है जो हमारे भीतर बहुत सहज रूप से, आपने देखा होगा धरती भी वैसे तो निर्जीव लगती है, एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उसी धरती पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है, बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है।
दोष धरती का नहीं है, कौन सा बीज बोया है उस पर है। और इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, कौन सी चीज आपको मन के साथ एकदम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। आप जी जान से उसमें जीतते जाइए, आपको कभी बोझ महसूस नहीं होगा। और शुरू में रुकावट आएगी, लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लग जाएगा। हाँ, हम तो सोचते थे कि इसमें ये बहुत अच्छा किया, आज तो हमारा नाम रोशन हो गया, चार लोगों के बीच में बैठते हो तो तारीफ होती है। जो कल तक आप कोई ताकत को स्वीकार नहीं करते थे, वो आने वाले समय में आप ही के ताकत का गौरवगान करना शुरू कर देंगे। और इसलिए आप हंसते खेलते उमंग के साथ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए, अतिरिक्त जो सामर्थ्य है उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आपने अभिभावक एवं शिक्षक की आशाओं अपेक्षाओं के बीच बच्चों की रुचि एवं आकांक्षाओं को नई शक्ति दी है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, फ्रॉम द कल्चरली रिच सिटी ऑफ दिल्ली, वैभव, अ क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, earnestly seeks your counsel regarding his problem. Vaibhav, please ask your question. नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम वैभव कनौजिया है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली में पढ़ता हूँ। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड सक्सीड व्हेन वी हैव सो मैनी ऑफ बैकलॉग। थैंक यू सर। धन्यवाद वैभव। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बच्चे ही नहीं, हमारे अभिभावक भी आपसे अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। सुजीत कुमार प्रधान जी, जो झारसुगुड़ा उड़ीसा से एक अभिभावक हैं, आपसे इसी विषय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। श्रीमान सुजीत प्रधान जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार प्रधान, मेरा प्रश्न है पाठ्यक्रम गतिविधि के लिए बच्चों को कैसे प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी, स्थापत्य और चित्रकला के धनी राजस्थान के जयपुर की कक्षा 12वीं की छात्रा कोमल शर्मा आपसे अपनी परेशानी का हल चाहती हैं। कोमल, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, मेरा नाम कोमल शर्मा है, मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू जयपुर कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मेरे एक सहपाठी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है, तो मैं उसे दिलासा कैसे दूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कोमल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, एरन ईपन, अ क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ कतर, इज ओवरवेल्म्ड बाय अ सिमिलर प्रॉब्लम। एरन, please go ahead and ask your question. Namaste sir, greetings from MES Indian School, Doha, Qatar. My name is Aaron Epen of class 10. My questions to the Honorable Prime Minister of India are these: how to stop myself from procrastinating and how to keep away my exam fears and the sense of lack of preparation. Thank you Aaron. Honorable Prime Minister sir, Vaibhav, Mr. Pradhan ji, Komal and Aaron are eager to gain from your wisdom on how to handle the problem of lack of motivation and how to sustain commitment to academics. Also, many other students from all over India want to know how to ensure that they participate equally in extracurricular activities to be well-integrated individuals. Kindly guide all of us, sir. कोई ये सोचता हो कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है, हैं, और वो इंजेक्शन हम लगवा दें तो फिर मोटिवेशन का एश्योरेंस मिल जाता है। किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला मिल जाए तो फिर मोटिवेशन की कभी समस्या नहीं रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन
पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको पता चलेगा। आप दिन भर देखेंगे, सप्ताह भर देखेंगे, महीने भर देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कहाँ जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए कठिन है। तो एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है, एक बार उसको जान लें और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दें, ठीक है। फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको लगता है हाँ यार सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिरे से सोचना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपको बताया था? नहीं बताया था, लेकिन आपने खुद को तैयार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करते, आपने पकड़ लिया तो आपको मन करेगा हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए, उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। बार बार किसी को ये जाके मत कहो यार मेरा मूड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है। फिर आपके अंदर एक ऐसी वीकनेस पैदा होगी कि हर बार आप सिंपथी चाहेंगे, फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पास बैठे हैं जरा मुझे पुचकारे पुलकारे, समय में जरा उत्साहित करे, मेरा लालन पालन करे। तो एक वीकनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, कुछ पल तो अच्छे चले जाएंगे। और इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपथी गेन करने के लिए उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। हाय जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा और मेरी ही निराशा मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, मैं ही उसको कब्र में गाड़ दूंगा, ये विश्वास पैदा कीजिए। दूसरा है हम किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अब मान लीजिए आपके ही पर घर में एक 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको कुछ लेना है लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आप दूर से देखते रहिए कि वो गिर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, थक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा। मतलब आपको वो सिखा रहा है कि ठीक है मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये मोटिवेशन क्या किसी स्कूल में किसी ने पढ़ाया था क्या? उस 2 साल के बच्चे को कोई प्राइम मिनिस्टर गया था कहने के लिए क्या? किसी प्राइम मिनिस्टर ने समझाया था क्या? अरे निराश मत हो जा बेटे, खड़े हो जा, दौड़ो, ऐसा किसी ने गया था क्या? जी नहीं। ईश्वर ने एक इनहेरेंट क्वालिटी हम सब में रखी हुई है जो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए वो ड्राइविंग फोर्स बनती है। छोटे बालक में भी होता है। हमने कभी इन चीजों को ऑब्जर्व किया है? आपने देखा होगा कि कोई दिव्यांग अपनी कुछ गतिविधि करता है, उसने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं, बहुत अच्छे ढंग से करता है, लेकिन हमने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि देखिए भाई ईश्वर ने उसकी इतनी शरीर में कमियां दी है लेकिन उसने हार नहीं मानी है, उसने अपनी कमियों को ही शक्ति बना दिया है। और वो शक्ति खुद को तो दौड़ाती है, वो शक्ति अगर देखने वाला नहीं ऑब्जर्व करने वाला,
जो निरीक्षण करता है उसको भी प्रेरणा देती है। हम कोशिश करें, हमारे आसपास जो चीजें हैं उसको हम उस रूप में ऑब्जर्व करें, उसकी वीकनेसेस को ऑब्जर्व ना करें, उस कमियों को उसने कैसे मात किया है, उन कमियों को वो कैसे मात करता है, उस प्रक्रिया को बारीकी से देखिए। आप फिर अपने आप को उसके साथ कोरिलेट करेंगे कि हाँ मैं ऐसा होता है तो मैं भी शायद ऐसा कर सकता हूं, ईश्वर ने तो मुझे हाथ पैर सब बहुत बढ़िया दिया है, मुझे तो कोई कमी नहीं है, मैं क्यों चुप बैठा हूं। आप खुद दौड़ने लग जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा एक विषय है, क्या कभी आप खुद की एग्जाम लेते हैं क्या? आप अपनी एग्जाम भी तो कभी लीजिए, कोई आपके एग्जाम क्यों ले। जैसे मैंने शायद मेरी जो किताब है एग्जाम वॉरियर, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो अरे तू क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया हूँ, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। तुम क्या होते हैं मेरी एग्जाम लेने वाले, मैं तुम्हारी एग्जाम ले रहा हूं, मैं देखता हूं तुम मुझे नीचे गिरा करके दिखा दो, मैं तुम्हें नीचे गिरा करके दिखा देता हूं। कभी तो करिए। कभी कभी आपको लगता है कि भाई मैं ये जो सोचता हूं सही है गलत है। आप ऐसा कीजिए, एक बार रिप्ले करने की आदत बनाइए। रिप्ले करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक एक नया नई दृष्टि मिलेगी। जैसे मानो क्लास के अंदर कुछ सीख करके आए हो, आपके तीन चार दोस्त हैं बैठिए, और आज जो सीखा है आप ही टीचर बनके आपके तीन दोस्तों को सिखाइए, फिर दूसरा दोस्त और तीन को सिखाए, फिर तीसरा दोस्त और तीन को सिखाए, फिर चौथा दोस्त, यानी एक प्रकार से जितना जितने पाया होगा वो परोसेगा, और हर एक को ध्यान में आएगा देखिए यार उसने इस बिंदु को पकड़ा था मुझसे छूट गया था, उसने इस पॉइंट को पकड़ा था मुझसे छूट गया था। चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है कुछ नहीं है, सुना सुना है, आप देखिए वो आपका अपना बन जाएगा। आप चीजों को अब आपने देखा होगा कहीं कोई घटना घटी हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी ये टीवी वाले खड़े हो जाते हैं ना डंडा लेकर के, और आपने देखा होगा वो जवाब देने में इधर उधर 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 हो जाते हैं, कुछ लोगों को तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है, आपने देखा होगा। लेकिन एक गांव की महिला है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है और कोई टीवी वाला पहुंच गया, उसने बेचारी को टीवी क्या है मालूम भी नहीं है और उसको पूछ लिया, आप देखिए बड़े आत्मविश्वास के साथ वो सारा वर्णन कर देती हैं कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फलाने आए थे, डिगने आए थे, ऐसा, यानी परफेक्टली चीजों बता। क्यों? क्योंकि उसने जो अनुभव किया उसको वो आत्मसात कर लेते हैं और उसके कारण उसको रिप्ले बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप अपने आप को खुले मन से इन चीजों से जोड़ेंगे तो कभी भी निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द मंत्र टू थिंक, ऑब्जर्व एंड बिलीव। हाउएवर टॉल द समिट, वी अश्योर यू दैट वी विल नेवर गिव अप। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध खम्मम तेलंगाना से यादा अनुषा, जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा हैं, आपसे अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अनुषा,
कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम यादा अनुषा है। मैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नागुलंजा में 12 कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं खम्मम जिले तेलंगाना से हूँ। सर, मेरे सवाल यहाँ है कि जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। कृपया इसके बारे में मेरी मदद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनुषा। मान्यवर, हमें एक अन्य प्रश्न नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रश्नकर्ता गायत्री सक्सेना जानना चाहती है, परीक्षा देते समय उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, जो पढ़े और याद किए हुए विषय हैं वो भी परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, जबकि परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद साथियों से बात करते समय उन्हें वही जवाब ध्यान में रहता है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? मान्यवर, अनुषा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है, जिनका संबंध स्मरण शक्ति से है। कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें, माननीय प्रधानमंत्री जी। शायद हर विद्यार्थी के दिमाग में ये विषय कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है, ये मैं भूल गया। लेकिन आप अगर देखेंगे, इवन एग्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीजें आपकी निकलने लगेगी कि आपको कभी एग्जाम के बाहर, अरे मैंने तो पिछले हफ्ते भर में कभी इस विषय को छुआ नहीं था, अचानक क्वेश्चन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया। मतलब कहीं पर स्टोर था, आपका भी ध्यान नहीं था, अंदर स्टोर था। और वो स्टोर क्यों था? क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दरवाजे खुले थे, कपबोर्ड खुला हुआ था, इसलिए अंदर वो गया। अगर कपबोर्ड बंद होता कितना ही पड़ोसते कुछ नहीं जाता। और इसलिए कभी कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा, मेडिटेशन, हिमालय, ऋषि मुनि वहाँ जोड़ देते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा मत है, ध्यान का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी, वो ढूंढती होंगी मैं किस कोने में बैठा हूँ, मतलब आप यहाँ नहीं है, आप घर में है। आपके दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी, मैं यहाँ बैठा हूँ वो उनको नज़र आया होगा कि नहीं आया होगा। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान वहाँ है, मतलब आप बेध्यान है। अगर आप यहाँ है तो आप ध्यान में है, आप वहाँ है तो आप बेध्यान है। और इसलिए ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए, आप इतनी सरलता से स्वीकार कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है जी। बहुत सरल है, आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबह चाय पीते रहते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, परिवार के लोग कहते हैं अरे पानी गर्म हो गया चलो जल्दी नहाने के लिए चलो, नहीं नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। फिर कहेंगे नहीं नहीं नाश्ता गर्म हो है ठंडा हो जाएगा, फिर भी कहें नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। कभी उन माताओं से मैं कहता हूँ जो घर में ऐसी परेशानी करते हैं उनको जरा शाम को पूछो कि आज अखबार में क्या पढ़ा था। मैं 99% लोग बताता हूँ वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखबार की हेडलाइन क्या थी। क्यों? वो न जागरूक है, न वो उस पल को जी रहा है, वो आदतन
पन्ने घुमा रहा है, आंखें देख रही हैं, चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। और अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो मेमोरी चिप में जाता नहीं है। और इसलिए आपके लिए पहली आवश्यकता ये है, आप जो भी करें उसे उस वर्तमान को, और मेरा अभी भी मत है कि परमात्मा की इस सृष्टि को सबसे बड़ी कोई सौगात है। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वो सौगात वर्तमान है। जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है, जो इस वर्तमान को आत्मसत कर पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और मेमोरी का भी यही कारण है कि हम उस पल को नहीं जीते हैं और उसके कारण हम उसको गवा देते हैं। दूसरा, मेमोरी का जीवन से संबंध होता है। सिर्फ एग्जाम से है ये सोचोगे तो फिर तो आप उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं, उसका मूल्य ही नहीं समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी दोस्त का जन्मदिन आपको याद रहा और आपने जन्मदिन पर उसको फोन किया, आपकी तो वो मेमोरी थी जिसके कारण आपको जन्मदिन याद रहा, लेकिन वो मेमोरी आपके जीवन के विस्तार का कारण बन जाता है। जब उस दोस्त को टेलीफोन जाता है उसको, अरे वाह, उसको मेरा जन्मदिन इतना याद था, मतलब मेरे जीवन की अहमियत उसके जीवन में है। वो जीवन भर आपका बन जाता है। कारण क्या था? वो एक मेमोरी। मेमोरी जीवन के विस्तार का बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट है। और इसलिए हम हमारी स्मृति को सिर्फ परीक्षा तक, सवाल जवाब तक सीमित ना करें, आप उसका विस्तार करते चलिए। जितना विस्तार करेंगे चीजें अपने आप जुड़ती जाएगी। दूसरा, आप कभी दो बर्तन लीजिए, दो बर्तन में पानी भरिए, पानी भर करके उसके अंदर एक कॉइन रखिए, दोनों में पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, दोनों एक ही प्रकार का पानी है, दोनों एक ही प्रकार के बर्तन है, दोनों एक ही प्रकार के उसमें कॉइन है, और आप उसको देखिए। लेकिन एक बर्तन है जो हिल रहा है, पानी इधर उधर हो रहा है, नीचे कॉइन है, दूसरा स्थिर है। आप देखेंगे कि जो स्थिर पानी वाला कॉइन है वो आपको परफेक्ट दिखता है, हो सकता है उस पर लिखी हुई चीज भी दिखाई दे, और जो पानी हिल रहा है वहां पर भी वही कॉइन, वही साइज है, उतना ही गहरा है, लेकिन दिखता नहीं। क्यों? पानी हिल रहा है, बर्तन हिल रहा है। अगर मन भी ऐसे डोलता रहे और हम सोचें कि उसमें कॉइन जो है मुझे दिखाई देगा, आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है, क्यों देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए, मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है, आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है ना, परमात्मा ने बहुत ढंग से बढ़ाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी यूट्यूब पर भी कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ शतावधानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीज़ें याद आती हैं,
हमारे देश में ये चीज़ें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी, तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए, आप अपने पास पर चीज़ें पड़ी हैं वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस स्नेहपूर्ण सरलता से हमें ध्यान की विधि सिखाई, निश्चय ही मेरी तरह सबका मन खिल उठा है। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल रामगढ़ झारखंड से कक्षा 10वीं की छात्रा श्वेता कुमारी आपसे अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। श्वेता, कृपया अपना प्रश्न रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं श्वेता कुमारी केंद्रीय विद्यालय पत्रातु की 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी रात का समय अधिक होती है, पर सब मुझे दिन में पढ़ने को बोलते हैं, मैं क्या करूँ? धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त प्रश्न जिसमें राघव जोशी के सामने एक अजीब सी दुविधा है। माँ बाप हमेशा कहते हैं पहले पढ़ाई करो फिर खेल कूद करो, लेकिन उन्हें लगता है कि खेलने कूदने के बाद पढ़ाई करते हैं तो उन्हें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। कृपया राघव एवं श्वेता के साथ साथ उन जैसे कई विद्यार्थियों को समझाएं कि वे ऐसा क्या करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी श्रेष्ठतम हो। हम सबकी दुविधा का समाधान करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बात सही है कि हर कोई चाहता है कि उसके समय का सदुपयोग हो, जिस काम के लिए समय लगाया है उसका उतना ही उसको लाभ मिले, और ये अच्छी सोच है और ये आवश्यक भी सोच है कि हमें हमेशा जागृत रूप से प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं जो समय लगा रहा हूँ, मैं जो समय खपा रहा हूँ, उसका मुझे आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है। आउटपुट तो दिखेगा, आउटकम नहीं दिखेगा। इसलिए पहले तो खुद में एक आदत डालनी चाहिए कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, और इसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं। और ये आदत हमको डालनी चाहिए कि भाई मैंने आज मैथमेटिक के पीछे एक घंटा लगा दिया, तो मुझे उस एक घंटे में जो मुझे करना था वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया, उसमें से जो सवाल मुझे कठिन लगते थे वो अब मुझे सहज हो गए नहीं हो गए, मतलब मेरा आउटकम इम्प्रूव हो रहा है। ये हमें एनालिसिस करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत कम लोगों को एनालिसिस की आदत होती है, वो एक के बाद एक पूरा करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और बाद में पता ही नहीं रहता कि अरे वो जरा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, उसको मैंने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी क्या होता है, हमारे अपने टाइम टेबल में जो सबसे सरल है, जो सबसे प्रिय है, हम घूम फिर करके उसी में घुस जाते हैं। मन करता है चलो इसी को कर ले, क्यों, आनंद आता है, और उसके कारण जो कम पसंद है, थोड़ा कठिन है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हमारा बॉडी जो है ना, वो बॉडी शब्द मेरा अच्छा नहीं है लेकिन सरलता के लिए बता देता हूँ, कभी कभी लगता है हमारा बॉडी चीटर है। आप तय करें मुझे ऐसे बैठना है, आपको पता ही नहीं होगा कैसे ऐसे हो जाते हो, पता ही नहीं होता है, मतलब आपके साथ आपका बॉडी चीटिंग करता है। आपने मन से तय किया कि मुझे ऐसे ही बैठना है, लेकिन थोड़ी देर में ढीले हो जाते हो हाथ पैर, यानी जो ओरिजिनल स्वभाव है वहां बॉडी आपका ढल जाती है, फिर जागृत होकर के ऐसे कर लोगे फिर हो जाते हो। मतलब ये बॉडी जैसे चीटर है ना, वैसे मन भी चीटिंग करता है कभी कभी, और इसलिए हमें इस चीटिंग से बचना चाहिए। हमारा मन हमारा चीटर नहीं बनना चाहिए। वो कैसे बन जाता है कि जो चीज मन को पसंद है हम उसी पे चले जाते हैं, हमें
जो जरूरी हैं। महात्मा गांधी जी श्रेय और प्रेय की बात करते थे, जो चीज श्रेयस्कर है और जो चीज प्रिय है, व्यक्ति श्रेयस्कर के बजाय प्रिय की तरफ चला जाता है। जो श्रेयस्कर हैं उस पर हमने चिपक के रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक होता है। और उसी की तरफ अगर मन चीटिंग करता है, वहां ले जाता है, फिर खींच के ले आओ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका आउटकम बढ़ेगा, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, ये जो सोचना कि मैं रात को पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है मैं सुबह पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहे खाना खा करके पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है भूखा रह करके पढ़ूं, ये हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, किस चीज में आप कंफर्टेबल हैं। एक्चुअली है आप कंफर्ट होने चाहिए। अगर आप कंफर्ट नहीं है उस परिषद से, बैठने से, उठने से, तो आप शायद उसको नहीं कर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही प्रकार की जगह होगी तब नींद आएगी उसको। मुझे याद है मैं बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी, उस मूवी में एक दृश्य आता है, कोई एक व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी के पास अपनी जिंदगी गुजारता है और फिर अचानक कोई अच्छी जगह पर रहने जाता है, उसको नसीब आता है लेकिन नींद नहीं आ रही है। और नींद क्यों नहीं आती, तो फिर अपना दिमाग खपाता है, तो वो जाता है रेलवे स्टेशन पे और रेल की पटरी की जो आवाज़ खटापटी आवाज़ उसको टैप करता है और घर में ला करके वो टैप रिकॉर्ड शुरू करता है और फिर सो जाता है, नींद आ जाती है उसका, वो कम्फर्ट हो जाता है जब तक उसको वो। अब हरेक के लिए कोई कहे कि भाई ट्रेन की आवाज़ आएगी तो तुम्हें नींद आएगी, हरेक के लिए जरूर नहीं होता, लेकिन उसको वो कम्फर्ट लगा। मैं समझता हूं कि हमें भी पता होना चाहिए, इसका प्रेशर बिल्कुल मत रखिए। जिस चीज में आपको आनंद आता है, आपको कम से कम उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वो रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस कंफर्ट अवस्था में भी आपका काम है आपकी पढ़ाई, आपका काम है मैक्सिमम आउटकम, उसमें से जरा भी हटना नहीं है। और मैंने देखा है लोग कैसे काम करते हैं, कभी कभी हम सुनने को तो अच्छा लगता है कि फलाना व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली 18 घंटे काम करना क्या होता है। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन है, मैं जब गुजरात में था तो केका शास्त्री जी करके एक बहुत बड़े विद्वान थे, स्वयं तो 5वीं-7वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन अनेक ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, दर्जनों ग्रंथ लिखे थे, और वो पद्म सम्मान से भी सम्मानित थे। वो जीवित रहे थे 103 साल, और जब मैं वहां था तो मैंने उनकी शताब्दी का ऑफिशियल कार्यक्रम सरकार का किया था। मेरा उनके साथ बड़ा निकट रिश्ता जैसा था, बड़ा प्यार रहता था मुझ पर उनका। तो मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, तो हमने एक बार कार्यक्रम बनाया कि उनको लेकर के राजस्थान के तीर्थ क्षेत्रों पर मैं उनको दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा। तो मैं उनको लेकर के चला, तो हम एक व्हीकल में थे सब लोग। मैं देखता था कि उनके पास बहुत कम लगेज था, लेकिन उसमें भी ज़्यादा लगेज उनकी लिखने पढ़ने की चीज़ें थी। कहीं रेलवे का क्रॉसिंग आता था तो बंद हो जाता था, रुक जाना पड़ता था, जब तक ट्रेन पारित नहीं होती वो दरवाज़ा खुलता नहीं था, आगे बढ़ते नहीं थे। अब उस समय हम क्या करते हैं, हम या तो नीचे उतर के थोड़े टहलेंगे या कोई सिंगचना बेचता होगा तो लेकर के खाएंगे, हम अपना समय। मैं देखता था कि जैसे ही खड़ी हुई गई गाड़ी, वो अपने थैले में से कागज़ निकालते थे और एकदम से लिखना शुरू कर, तब उनकी उम्र मैं समझता हूँ 80 तो करीब पहुँच गई होगी। यानी समय का कैसे उपयोग करना, आउटकम किसको कहते हैं, मैं इतनी बारीकी से उनको देख रहा था। और शायद तीर्थ यात्रा के समय में रिलैक्स रहना, घूमना फिरना, देखना बातें, सारा बाजू में अपना काम करते ही रहना, किसी भी परिस्थिति में करते रहना, मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक होता है। जीवन में इसे बहुत कुछ मिलता है। Thank you.
Honorable Sir, thank you for making us understand the importance of self-analysis and realizing that we should learn joyfully for rising to excellence. Honorable Prime Minister Sir, Erica George, a student of class 9th from the beautiful lush green land with eucalyptus forest, Udhampur, Union Territory of Jammu and Kashmir, seeks your guidance. Erica, please ask your question. Greetings, Honorable Prime Minister Sir. I'm Erica George from APS Udhampur, Jammu and Kashmir from 9th. Sir, the question that I wanted to ask was, nowadays there's a lot of competition, especially in the academic fields and in a country like India. In this case, there are a lot of people who are really very talented and knowledgeable, but due to some reason, they could not appear for the exams. Maybe they could not choose the right path, or maybe they did not have the proper counseling. So, sir, in this case, what can we do for these people so that the talent of these people does not go to a waste and instead can be utilized in a better and efficient way? Thank you, sir. Thank you, Erica. Honorable Prime Minister, sir, Hari Om Mishra, a class 12 student from Industrial Hub, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, is preparing for his board exams and wishes to ask a similar question that has been invited by a competition organized by ZTV. Hari Om, please ask your question. Namaskar, mera naam Hari Om Mishra hai aur main Cambridge School Noida ki 12th kaksha ka chhatra hoon. मेरा आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज़ को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें? थैंक यू हरि ओम. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, just like Erica and Hari Om, many students from different parts of the country have expressed their anxiety and concern about whether to focus on studies, competitive exams, board exam preparation, or college admission. We all seek your guidance, Honorable Prime Minister Sir. वैसे दो अलग-अलग प्रकार के सवाल हैं. एक विषय है competition का और दूसरा विषय है कि ये एग्ज़ाम दो या वो एग्ज़ाम दो, और एक ही समय दो दो एग्ज़ाम है तो क्या करो. मैं नहीं मानता हूँ कि हमने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए, गलती वहीं हो जाती है. मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँगा, फिर मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँगा, इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं. आप उन जड़ी बूटियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दें, और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग अलग एग्ज़ाम अलग लगते हैं, कठिन लगते हैं. हकीकत ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्ण रूप से हम पूरी तरह उसको आत्मसात करेंगे, फिर वो बोर्ड का एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम है या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम है, कहीं पर भी हो सकता है एग्ज़ाम. अगर आपने अपनी शिक्षा का पूर्ण रूप से एक साक्षात्कार किया है, आत्मसात की है, तो आपको एग्ज़ाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है. और इसलिए अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के दिमाग खपाने के बजाय अपने आप को योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए, विषय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें, फिर परिणाम जो मिलेगा सो मिलेगा. जहां पहली आएगी वो उसको पहले मुकाबला करेंगे, जब दूसरा आएगा दूसरे से मुकाबला करेंगे. लेकिन मुकाबला इसलिए करते हैं कि अब जो मैंने खिलाड़ी आपने देखा होगा, वो खिलाड़ी खेल के अंदर पारंगत होता है, किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता मेहनत. फिर वो तहसील में खेलेगा तो वहां अपना कर्तव्य दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, नेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, इंटरनेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, और खुद भी इवॉल्व होता जाएगा. और इसलिए मैं मानता हूं
कि हम फलाने एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस चक्कर से निकल करके मेरे पास ये संपुट है, मैं लेकर के जा रहा हूँ। अगर मैं वहाँ से निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूँगा। तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें ये सोच रहा थी। दूसरा, कंपटीशन। देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है तो जिंदगी किस चीज की जी? फिर तो हम ऐसे ही खुश रहेंगे, वाह कोई कुछ नहीं है, हम ही हम है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। सचमुच में तो हमने कंपटीशन को इनवाइट करना चाहिए, तभी तो हमारी कसौटी होती है। मैं तो कहूंगा घर में भी कभी छुट्टी का दिन है, पढ़ना नहीं है, एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई बहन बैठ करके कंपटीशन लगाओ। तुम चार रोटी खाते हो, मैं पांच खाता हूं, तुम पांच खाते हो, मैं छह खाता हूं। अरे करो तो कंपटीशन। जिंदगी को कंपटीशन हमने निमंत्रण देना चाहिए। कंपटीशन जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम होता है, जो हमें अपना भी इवोल्यूशन करने लगता है। दूसरा, मैं जिस पीढ़ी का हूं या आपके माता पिता जिस पीढ़ी के हैं, उनको वो चीजें नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है। आप उस भाग्यवान जनरेशन में हैं जो भाग्य आपके पहले की किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है। और वो है, जैसे कंपटीशन ज्यादा है तो चॉइस भी ज्यादा है, अवसर भी अनेक हैं। आपके परिवार में इतना अवसर नहीं थे। आपने देखा होगा, दो किसान हो, मान लीजिए उसकी भी दो एकड़ भूमि है, इसकी भी दो एकड़ भूमि है, लेकिन एक किसान है, चलो भाई गुजारा करना है, गन्ना की खेती करते रहो, अपना गुजारा चल जाएगा। दूसरा किसान है, वो सोचता है नहीं नहीं दो एकड़ भूमि है, ऐसा करूंगा, वन थर्ड ये करूंगा, वन थर्ड ये करूंगा, वन थर्ड ये करूंगा, पिछले साल ये किया था तो इस बार ये करूंगा, ये दो चीजें नहीं करूंगा। आप देखेंगे कि वो जो दो एकड़ भूमि में ही ऐसे ही आराम से बैठा हुआ गुजारा कर लेता है, जिंदगी ठहर जाती है। जो रिस्क लेता है, प्रयोग करता है, नई चीज लेता है, नई चीज जोड़ता है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जिंदगी में कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसा ही हमारे जीवन में है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और हमारे पास अनेक चॉइस है। ये स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता। मैं समझता हूं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अवसर को कभी ना कभी जाने नहीं दूंगा, ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कॉम्पिटिशन आपके लिए इस युग के सबसे बड़ी सौगात के रूप में आप अनुभव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें ज्ञान को आत्मसात करने की प्रेरणा दी, जिससे जीवन में सफलता मिलती है। आपका धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, नवसारी गुजरात से एक अभिभावक सुश्री सीमा चिंतन देसाई आपके सम्मुख एक प्रश्न रखना चाहती हैं। महोदया, कृपया अपनी बात रखें। जय श्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नमस्ते। आई एम सीमा चिंतन देसाई फ्रॉम लोसर अपार। सर, आप इतने सारे यंगस्टर्स के आइकन हो, रीजन, आप सिर्फ बोलते हैं और जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। सैल्यूट्स सर। एक प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण अंचल की बालिकाओं हेतु अनेक योजनाएं चल रही हैं। इसकी प्रगति के लिए हमारा समाज क्या योगदान दे सकता है, कृपया मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। मान्यवर,
सीमा चिंतन देसाई जी ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं और श्रीमान से जानना चाहती है कि इस दिशा में आपके मंतव्य क्या हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। वैसे मैं समझता हूं कि स्थितियां काफी बदली हैं। पहले के समय में जब शिक्षा की बात आती थी तो माँ बाप को लगता था कि बेटे को पढ़ाना चाहिए, अपने लिमिटेड संसाधन से भी उनको लगता था कि इतने ही स्थिति है, चलो बच्चा पढ़ेगा तो कुछ कमाएगा। और कभी कभी कुछ माँ बाप ये भी कह देते थे, अरे बेटी को पढ़ा के क्या करना है भाई, उसको नौकरी थोड़ी करवानी है, अब वो तो अपना ससुराल जाएगी, वो अपना जिंदगी का गुजारा कर लेगी। ये मानसिकता का कोई एक कालखंड था। हो सकता है आज भी कुछ गांवों में कहीं पर इस प्रकार की मानसिकता बची हुई होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज आज स्थितियां बदली है और समाज बेटियों के सामर्थ्य को जानने में अगर पीछे रह गया तो वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी कभी तो आपने ऐसे परिवार देखे होंगे जहां पर ये कहते होंगे भाई बेटा तो होना ही चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आएगा, बेटी तो क्या है वो तो ससुराल चले जाएगी वो क्या काम की। ऐसी भी एक सोच हमारे समाज में है और कभी तो थी, लेकिन इतिहास अनुभव करता है और मैं इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं। मैंने ऐसी कई बेटियां देखी है जिन्होंने माँ बाप की इकलौती बेटी माँ बाप के सुख और उनके बुढ़ापे की चिंता के लिए खुद ने शादी नहीं की और माँ बाप की सेवा में जिंदगी खपा दी जो बेटा नहीं कर सकता, ये बेटियों ने किया। और मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर में चार बेटे हैं, चार बेटों को चार बंगला है, सुख चैन की जिंदगी है, दुख कभी देखा नहीं है, लेकिन माँ बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे भी बेटे मैंने देखे। इसलिए पहली बात है समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान, कोई भेदभाव नहीं, ये आज के युग की अनिवार्यता है और हर युग की अनिवार्यता है। और भारत में कुछ विकृतियां आई हैं, आने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये देश गर्व कर सकता है। अगर गवर्नेंस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्या देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नेंस के रूप में। कभी वीरता की बात आए तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आता था वीरता के लिए, बेटियां ही तो थी। यानी कोई युग ऐसा नहीं होगा। और हमारे यहां तो विदुषी ज्ञान का भंडार बेटियों ने करके दिखाया है। तो पहले तो हमारी अपनी मानसिकता, दूसरा आज स्थिति बदली हुई है। आज तो आप देखेंगे नए जो बच्चे स्कूल आते हैं ना, तो बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या होती है, ये हिसाब आ रहा है। आज जो बेटियों के एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, वो कुछ करने का जो जज्बा है, शायद कोई भी हिंदुस्तानी गर्व करे ऐसा है। और उसको हमने अवसर देना चाहिए और वो अवसर हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। कोई एक परिवार अपने तरीके से कर ले ऐसा नहीं, जैसे आपने देखा होगा खेलकूद में, आज खेलकूद में किसी भी स्तर का खेल चलता होगा, भारत की बेटियां हर जगह पे कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर रही है। विज्ञान का क्षेत्र देखिए, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट विज्ञान के आते हैं तो देखोगे तो उसमें आधे से अधिक तो हमारी बेटियों ने कुछ ना कुछ पराक्रम किया होता है विज्ञान के क्षेत्र में। आप 10वीं 12वीं के रिजल्ट देख लीजिए, बेटों से ज्यादा बेटियां ज्यादा लाती है, पढ़ने पास होने वाली संख्या बेटियों की ज्यादा होती है।
तो आज हर परिवार के लिए बेटी एक बहुत बड़ी एसेट बन गई है, बहुत बड़ा परिवार की शक्ति बन गई है। और ये बदलाव अच्छा है, ये बदलाव जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा। अब आप देखिए, मैं आप तो गुजरात से ही हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, गुजरात में जैसे पंचायती राज व्यवस्था, अच्छी पंचायती राज व्यवस्था है, 50% इलेक्टेड बहने हैं, कानूनन व्यवस्था है कि 50%, लेकिन एक्चुअली चुनाव के बाद स्थिति ये बनती है कि चुनी हुई महिलाओं की संख्या 53%, 54%, 55% है। अरे वो अपने रिजर्व सीट से तो जीती है, लेकिन वो सामान्य सीट से भी जीत करके 55% तक कभी कभी जाता है और पुरुष 45% पे आ जाते हैं। इसका मतलब समाज का भी माताओं बहनों पर विश्वास बढ़ा है, तभी तो जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं। जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा, आज तक के कालखंड की सबसे ज्यादा विमेन एमपी है। और गांव में भी देखा जा रहा है कि जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको लोग ज्यादा चुनना पसंद करते हैं, भले वो पांचवी हैं तो सातवीं वाली बच्ची को, बहन को चुनाव में जीतने के पसंद के, सात के सामने कोई ग्यारहवीं वाली है तो उसको पसंद करेंगे। यानी समाज में भी शिक्षा के प्रति सम्मान का भाव हर स्तर पर नजर आ रहा है। आज आप एजुकेशन फील्ड देख लीजिए, शायद कभी न कभी तो पुरुषों की तरफ से मांग आने की संभावना है, मैं किसी को रास्ता नहीं दिखा रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी वालों को, लेकिन कभी कभी संभावना है कि पुरुष जुलूस निकालेंगे कि टीचर में हमारा इतना परसेंट आरक्षण तय करो, क्योंकि ज्यादातर टीचर हमारी माताएं बहनें हैं। उसी प्रकार से नर्सिंग में ज्यादातर जो सेवा भाव मातृभाव होता है वो आज नर्सिंग के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। भारत की नर्सिंग दुनिया में जहां जा रही है, भारत की आन बान शान बढ़ा रही है। इवन पुलिसिंग में, पुलिसिंग के अंदर आज हमारी बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में आ रही हैं। अब तो हमने एनसीसी में बेटियां, सैनिक स्कूल में बेटियां, आर्मी में बेटियां, जीवन के हर क्षेत्र में, और ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। और मुझे समाज से भी यही आग्रह है कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, बेटियां घर समाज राष्ट्र की शोभा है, उनकी आकांक्षाओं को आपकी प्रेरणा से नई उड़ान मिली है, आपका धन्यवाद। Honorable Prime Minister Sir, we are privileged and blessed to have received first-hand insights and inspiration from you today. Keeping in mind your valuable time, I now invite the two final questions. Dumpala Pavitra Rao, a class 12 student from Kendriya Vidyalaya Sector 8, R.K. Puram, New Delhi, is curious to know the answer to her question. Pavitra Rao, kindly ask your question. नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं पवित्रा राव का केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में 12वीं कक्षा की हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमारा भारत और तरक्की करने के लिए अग्रसर है, इसको कायम रखने के लिए हमारी नई पीढ़ी को और क्या कदम उठाने होंगे? आपके मार्गदर्शन से भारत स्वच्छ तो हुआ ही है, और आने वाली पीढ़ी इसके पर्यावरण संरक्षण में और क्या योगदान दे, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद सर। थैंक यू पवित्रा। मान्यवर, नई दिल्ली से 11वीं कक्षा के छात्र चैतन्य लेले अपने मन में उठने वाले इसी प्रकार के एक अन्य प्रश्न का समाधान चाहते हैं। चैतन्य, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम चैतन्य है, मैं कक्षा 11वीं का डीएवी विद्यालय का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और बेहतर कैसे बना सकते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद चैतन्य।
Honorable Prime Minister Sir, the youth of India, just like Pavitra and Chaitanya, want to breathe in a clean and green India. A dream close to your heart, we all wish to know how to keep India and our environment pristine and perfect in every sense of the word. We all look forward to your guidance, Sir. वैसे ये परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा विषय तो नहीं है, लेकिन जैसे परीक्षा के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे पृथ्वी को भी एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। और हम लोग तो पृथ्वी को माँ मानने वाले लोग हैं। मैं सबसे पहले तो आज मुझे अवसर दिया है तो मैं सार्वजनिक रूप से हमारे देश के बच्चों को, बालक बालिकाओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अनुभव करता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब 15 अगस्त को लाल किले से भाषण कर रहा था, तो मेरे भाषण के बाद ज़्यादातर लोगों ने सवालिया निशान लगा डाले थे कि ठीक है, मोदी जी ने कह तो दिया लेकिन हो सकता है क्या। और उस समय मैंने स्वच्छता की बात कही थी। थोड़ा ये भी अचरज था कि देश का प्रधानमंत्री, ये तो जगह ऐसी है कि वहाँ स्पेस की बात करनी चाहिए, विदेश नीति की बात करनी चाहिए, सैन्य शक्ति की बात करनी चाहिए, ये आदमी कैसा है स्वच्छता की बात कर रहा है, कईयों को आश्चर्य हुआ था। लेकिन जो भी आशंकाएं व्यक्त की गई थी उन सबको गलत सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया हो, या स्वच्छता के मेरे भावना को चार चांद लगाने का अगर किसी ने काम किया हो, तो वो मेरे देश के बालक बालिकाओं ने किया है। स्वच्छता की इस यात्रा में आज हम जहां भी पहुंचे हैं, अगर उसकी मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को देता हूं, तो मेरे देश के बालक बालिकाओं को देता हूं। मैंने ऐसे सैकड़ों प्रसंग सुने हैं जहां पांच पांच छह छह साल के बच्चों ने अपने दादा दादी नाना नानी को टोका है दिन में 10 बार कि इधर मत डालो, मोदी जी ने मना किया है, इधर मत फेंको, मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी ताकत है। और आप शायद उसी पीढ़ी के होने के कारण आपने भी उसी भावना के साथ सवाल पूछा है। मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं। ये बात सही है कि आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण, एनवायरनमेंट के कारण बहुत परेशान है। और उसका मूल कारण है कि हमने अपने संसाधनों का मिसयूज किया है। हमारे पास परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसको हमने बर्बाद कर दिया है। अब हमारा दायित्व है, अगर आज मैं पानी पी रहा हूं या मेरा भाग्य में पानी है, आज अगर मैं कहीं नदी देख पा रहा हूं, आज अगर मैं किसी पेड़ की छाया में खड़ा हूं, तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। जिस चीज को आज मैं उपभोग कर रहा हूं, वो मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए दिया है, क्या मेरे बाद की पीढ़ी को मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर मैं बचाऊंगा नहीं तो दूंगा क्या? और इसलिए जैसे
हमारे पूर्वजों ने हमें दिया उनका ऋण स्वीकार करने के लिए और हमारी आगे की पीढ़ी को देने के लिए जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हमने अपना दायित्व निभाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। अब ये कोई सरकारी कार्यक्रम से सफल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक इससे बचना चाहिए, लेकिन हमारे ही परिवार में भाषण भी हम करते हो सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, लेकिन शादी का कार्ड अगर हम किसी के ना का आता है घर में देखते हैं तो उस पर एक प्लास्टिक का बहुत सुंदर रैपर करके आता है, हम निकाल करके फेंक देते हैं। अब ये हम जो सोचते हैं उसके विपरीत है। तो सहज स्वभाव कैसे बने? कम से कम मेरे परिवार में मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल हमारे घर में उपयोग नहीं करने दूंगा। तो हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कुछ मदद कर रहे हैं, और अगर देश के सभी बच्चे इस काम को करने लग जाएं, तो फिर आज जो हमारे आपने देखा होगा, मैं गुजरात में पशु आरोग्य मेले लगा रहा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और पशु आरोग्य मेले लगाता तो आपको हैरानी होगी, मैं गुजरात के अंदर पशुओं की दांत की ट्रीटमेंट डेंचर ट्रीटमेंट करवाता था, पशुओं को मोतीबिंदु होता है मोतीबिंदु का काम करता था, और कुछ पशुओं के ऑपरेशन करने पड़ते थे। तो मैं एक बार एक गाय देखा, उसके पेट से कम 40 kg प्लास्टिक निकला था। अब ये मानवता के विरुद्ध का काम है। अगर ये हमारे अंदर संवेदना पैदा होती है कि मुझे तो अच्छा लगता है, चलो भाई हल्की फुल्की थैली है लेकर के जाना अच्छा लगता है और फिर फेंक देता हूं, हमें अब यूज एंड थ्रो उस कल्चर से बचना पड़ेगा और हमें रीयूज रीसाइकल, और ये भारत में कोई नया पर नहीं है, ये हमारे यहां तो सदियों से परिवार में आदत रही हुई है। हम जितना ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे हम पर्यावरण को बर्बाद करेंगे, हम जितने संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हम पर्यावरण की रक्षा। अब आज देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये भी पर्यावरण के लिए एक संकट बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी स्क्रैप पॉलिसी निकाली हुई, ताकि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो प्रदूषण पैदा करती है उनको ख़त्म करो, उसमें से भी कुछ कमाई करो और नई गाड़ी लाओ। उस दिशा में एक बहुत बड़ी मात्रा में काम चलने वाला है। उसी प्रकार से हम जानते हैं पानी का क्या महत्व है, पौधे का क्या महत्व है, प्रकृति का क्या महत्व है, हम उसके प्रति सेंसिटिव है क्या? और ये सहज स्वभाव बनाना चाहिए। अगर ये स्वभाव बनना है, आपने देखा होगा COP 26 में मैंने एक विषय रखा था, यूके में कॉन्फ्रेंस हुई थी दुनिया की, और मैंने कहा था उसमें कि लाइफस्टाइल इज अ प्रॉब्लम, हमारी जो लाइफस्टाइल है, और इसलिए कहा गया मिशन लाइफ की आवश्यकता है, और मैंने मिशन लाइफ के लिए वहाँ शब्द तय किया था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ LIFE। मैं समझता हूँ कि हम भी अपने जीवन में बहुत छोटी आयु है, 4 मंजिला मकान है और हम भी लिफ्ट में जाते हैं, अरे हम कोशिश करें हम चढ़ जाएंगे क्या है, तो हमारा हेल्थ भी कभी फायदा होगा, हम एनवायरनमेंट को मदद करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हम अपने जीवन में लाएंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि हमें दुनिया में P3 मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है, प्रो प्लैनेट पीपल। ये P3 मूवमेंट उससे ज्यादा लोग जुड़े और कॉन्शियस रहकर के इसको प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम चीजों को लाभ करेंगे। दूसरा, हम आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 साल, आज की जो पीढ़ी है वो अपने जीवन की सबसे सफल पलों से गुजरती होगी तब देश शताब्दी मनाता होगा। मतलब ये 25 साल आपकी जिंदगी का है, आपके लिए हैं,
आपका योगदान इस 25 साल में क्या हो ताकि हमारा देश उस जगह पे पहुंचे, हम गर्व के साथ देश की शताब्दी आन बान शान के साथ दुनिया के सामने एक चेहरा ऊंचा रख करके मना सके, हमने अपने जीवन को उससे जोड़ना सके। और उसका एक सिंपल सा मार्ग है, कर्तव्य पर बल देना। अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं, मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं, फिर कभी उसको अधिकार के लिए मांग करने के लिए निकलना ही नहीं पड़ेगा। आज समस्या यह है कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए अधिकार के लिए उसको लड़ना पड़ता है। हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना ना पड़े, ये हमारा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का उपाय भी हमारा कर्तव्यों का पालन है। अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमारे लिए जो जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करते हैं। अब देखिए, हमारे देश ने, पूरे दुनिया के लोग हमारे यहां तो इन चीजों की चर्चा करते हैं तो लोगों को डर लगता है कहीं मोदी के खाते में हो जाएगा, मोदी का जय जयकार हो जाएगा, इसलिए जरा संकोच करते हैं इसका जय जयकार करने में। लेकिन जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें भी जब मैंने स्कूली बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया और जिस तेजी से हमारे देश में बच्चों ने दौड़ दौड़ करके वैक्सीन ले लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आप सबका वैक्सीनेशन हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। सबका वैक्सीनेशन हो गया है? अगर दुनिया के किसी देश में ऐसे सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है, हिंदुस्तान के बच्चों ने भी ये करके दिखाया है, मतलब कि हमने अपना कर्तव्य का पालन किया। ये कर्तव्य का पालन भारत की आन बान शान बढ़ाने का कारण बन गया है। उसी प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाना हो, प्रकृति की रक्षा करनी हो, पर्यावरण की रक्षा करनी हो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम अपने कर्तव्य को सजगता रूपक अगर लगाएंगे, काम करेंगे, तो हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2022 ने हमारे जैसे करोड़ों बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की बेचैनी को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया। हम कृतज्ञ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वर्णिम उद्बोधन के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस स्प्लेंडेड मॉर्निंग ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ मोमेंट्स दैट विल फॉरएवर स्टे एज्ड इन आवर रेमिनिसेंसेस। वी एक्सप्रेस आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड and thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having spared his valuable time to be here with us and for inspiring us with his magnetic persona. Thank you so much, sir. Aap sab, aapke announcer aa jaye yahan sare, sabko bula lijiye. Kuch idhar aa jaye, kuch idhar aa jaye. Dekhiye, aaj main सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहता हूं। इन सब ने इतने बढ़िया तरीके से इन सारी चीजों को कंडक्ट किया है, कहीं पर भी आत्मविश्वास की कमी नजर नहीं आई। आपने भी बारीकी से ऑब्जर्व किया होगा, मैं बराबर ऑब्जर्व करता था। ऐसा सामर्थ्य यहां बैठे हुए हर एक में होगा, जो टीवी पर देखते होंगे उनमें भी होगा और जो नहीं देखते होंगे उनमें भी होगा। जीवन में जो सवाल के दायरे में नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सचमुच में जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो अपने आप को एक क्वालिटी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस विधा को हम डेवलप करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, और वो है गुणों के पुजारी बनना। किसी में भी हम गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो हम उसके पुजारी बनते हैं।
उससे उसको तो ताकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहाँ भी देखें अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करें, कैसे अच्छा है वो ऑब्जर्व करें, उसको हम स्वीकार करने का प्रयास करें, खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें, इनोवेट करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। अगर हम ईर्ष्या भाव पनपने देते हैं, देखो यार ये तो मेरे से आगे हो गया, देखो उसका कुर्ता तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है, देखिए यार ये इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावरण है, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, अगर यही कंपटीशन मन में पड़ी रहती है तो हम धीरे 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 बहुत ही अपने आप को छोटा करते जाते हैं। हम कभी बड़े नहीं बन सकते। हम औरों के सामर्थ्य को, औरों की विशेषताओं को, औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्थ्य विकसित करेंगे तो उन विशेषताओं को अपने में लाने का सामर्थ्य अपने आप विकसित होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन में जहां भी मौका मिले, जो विशेष है, जो अच्छा है, जो सामर्थ्यवान है, उसके प्रति आपका झुकाव होना चाहिए, उसको जानने का, समझने का, स्वीकार करने का बहुत ही उम्दा मन होना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, कभी भी हमारे मन में प्रतिशोध की भावना पैदा नहीं होगी, हम एक बड़े आनंद और सुख की जिंदगी जी पाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ और मैं शिक्षा विभाग का अभिनंदन करता हूँ कि इतना शानदार कार्यक्रम आप सब ने योजना की और आप सब नौजवानों से मुझे मिलने का मौका मिला। कुछ लोगों को लगता होगा कि मोदी परीक्षा की चर्चा क्यों करते हैं, एग्जाम्स में तो ठीक है, टीचर ने बहुत कुछ समझा दिया होगा, आपका लाभ होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है, मेरा लाभ होता है। मेरा लाभ ये होता है कि जब मैं आपके बीच में आता हूँ तो मैं 50 साल छोटा हो जाता हूँ और मैं अपने आप को आपकी उम्र से कुछ सीख करके ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, यानी मैं, मेरी पीढ़ी नहीं बदलती है, मैं आपके साथ जुड़ने के कारण हमेशा आपके मन को समझता हूँ, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझता हूँ, मेरी जिंदगी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ और इसलिए ये कार्यक्रम मुझे बनाने में काम आ रहा है, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने में काम आ रहा है और इसलिए इसलिए मैं आपके बीच आता हूँ। मुझे आज अपने को ढालने के लिए, अपने को गढ़ने के लिए, खुद को कुछ सीखने के लिए आप सबने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।